नमस्कार, टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। आइए डाल लेते हैं सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, करीब 10,000 संस्थानों से एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यकों को दिया गया। प्रधानमंत्री ने झारखंड के दुमका और पश्चिम बंगाल के बरसात में जनसभा को किया संबोधित। कहा, इंडी गठबंधन वाले लूटते हैं गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई। भ्रष्टाचारियों की काले धन की गंदी कमाई का निकालूंगा एक्सरे। प्रचार के रण में सभी दलों के दिग्गज। अमित शाह ओडिशा तो जेपी नड्डा हिमाचल में संभाल रहे हैं पार्टी की कमान। वाराणसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली। प्रियंका गांधी ने हिमाचल के हमीरपुर में किया रोड शो। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा में, तेजस्वी यादव भी बिहार में डटे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से किया इनकार। 2 जून को केजरीवाल को करना होगा सरेंडर। चक्रवात प्रिमल ने मचाई तबाही। मिजोरम के आइजोल में पत्थर की खदान ढह जाने से 7 लोगों की मौत। मणिपुर और असम के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी और गुजरात के लिए गर्मी का रेड अलर्ट। भयंकर लू की चेतावनी। वहीं केरल में 31 मई को दस्तक देगा मॉनसून। जून से सितंबर तक सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती आज। संसद भवन परिसर में दी गई पुष्पांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। कहा, उनके साहस और संकल्प शक्ति की कहानी आज भी देती है प्रेरणा। और फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर। 14 बार के विजेता स्पेन के राफेल नडाल पहले ही राउंड में बाहर। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सीधे सेट में दी मात। लेंगे समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के बरसात में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की टीएमसी सरकार और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है। इनकी प्राथमिकता केवल वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण है। टीएमसी और इंडी गठबंधन को आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का
जो हक मिला था उनको संविधान ने दिया था, बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था, देश की पार्लियामेंट ने दिया था, वो ओबीसी का जो हक था, रातों रात ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने झारखंड के दुमका में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी एनडीए गठबंधन का मकसद सिर्फ देश को लूटना है, भ्रष्टाचार फैलाना है, घोटाला करना है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि 4 जून के बाद जब दोबारा सरकार बने उसके बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड को हर तरह से लूट रहे हैं। आप देखिए, यहां इतने खूबसूरत पहाड़ है, लेकिन झारखंड की चर्चा ये खूबसूरत पहाड़ों से नहीं हो रही है। झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़। भाई बहन, मैं आपको बताता हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं ना, 13 साल मुख्यमंत्री रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नोटों का पहाड़ कभी देखा नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा। ये कितने बड़े मगरमच्छ है आप देखिए। जेएमएम कांग्रेस वालों के यहां नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है शराब के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है करोड़ों रुपयों के टेंडर के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है खान, खनिज, खनन घोटाले से। अकेले साहिबगंज जिले में 1,000 करोड़ के खनन घोटाले का पता लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के जाजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेडी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर रत्न भंडार के खजाने को लेकर सवाल उठाए। अमित शाह ने कहा कि ओडिशा की जनता जानना चाहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबी बनाई है या नहीं, और रत्न भंडार में से जो माल निकला वो कहां गया, इसका हिसाब क्या है। जोर से बोलो, नवीन बाबू तक आवाज जानी चाहिए। रत्न भंडार की जांच रिपोर्ट जारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं आज यहां से नवीन बाबू को पूछना चाहता हूं, नवीन बाबू, रत्न भंडार की चाबी कौन चोर गया? नवीन बाबू, ओडिया जनता को बताइए, रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबी आपने बनाई है या नहीं बनाई है? नवीन बाबू, आप ओडिया जनता को बताइए, रत्न भंडार उसके बाद खोला गया या नहीं खोला गया? और नवीन बाबू, रत्न भंडार में से जो माल निकला वो कहां गया, इसका हिसाब क्या है? बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5,00,000 रुपए का मुफ्त इलाज, ये है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया, मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नारा देना आसान काम है, मगर प्रियंका गांधी कभी भी कांग्रेस गठबंधन राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना तो दूर, उन्होंने आवाज तक नहीं उठाई। नारा देना बहुत आसान था, लेकिन न कभी लड़ी न कभी लड़कियों के लिए खड़ी हुई। ये तो महिलाओं के साथ अत्याचार अपराध और उनकी हत्या भी हुई, तभी प्रियंका गांधी नजर नहीं। नेहा कांग्रेस के काउंसलर की बेटी थी, निकाह करने के लिए, जबरन निकाह करने के लिए उन्होंने मना किया, गला रेत कर हत्या कर दी गई। उनकी सरकार में उनके काउंसलर की बेटी को न्याय नहीं मिला, लेकिन वो नजर नहीं आई। लड़की हूँ और लड़ नहीं सकती हूँ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी पाकिस्तान और वाघा सीमा पर अपनी अजीबोगरीब टिप्पणी से एक और विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। चन्नी ने रविवार को चल रहे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए दावा किया कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो वे पाकिस्तानियों के लिए वाघा बॉर्डर खोल देंगे। उन्होंने अपने बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि पाकिस्तान से लोग इलाज कराने के लिए जालंधर आएं। रविवार को मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, हम जालंधर को मेडिकल हब के रूप में विकसित करेंगे, वाघा बॉर्डर खोलेंगे ताकि पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए यहां आ सके। इतना बड़ा ट्रेड नहीं था, 4,200 करोड़ की ट्रेड था पाकिस्तान के साथ अमृतसर के थ्रू। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में उससे 10 बार है, 45 करोड़ का ट्रेड आजकल चल रहा है वहां बांग्लादेश साइड पे। लेकिन अमृतसर का दिक्कत जब ये लोग समझाए, मैं ये जानता हूं क्योंकि जब मैं कमेटी का चेयरमैन था, गुरजीत सिंह औजला भी उसी बात कहा था कि आप आके देखिए वाघा में। उस जमाने में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, फिर भी काफी स्लो चल रहा था ट्रेड। वो चाहता था कि हम आके देखें, क्योंकि अमृतसर के बिजनेस लोग चाहते थे कि हम ट्रेड को बढ़ाएं। हमारा इरादा है कि ये सारे पॉलिसी रिव्यू हो जाए, क्योंकि नई सरकार तो नई पॉलिसी ही बनाएंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी रविवार को अमृतसर के व्यापारियों से वादा किया कि अगर केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो अटारी वाघा सीमा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की नीति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सीमा पार व्यापार को सामान्य किया जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो दरअसल ये कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान प्रेम है। अब पूरे मामले को समझिए। दरअसल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों के मारे जाने के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया और कस्टम ड्यूटी को 5% से बढ़ाकर 200% करके पाकिस्तान से आयात को प्रतिबंधित कर दिया। तब से पाकिस्तान से सामान का आयात लगभग बंद है और इस फैसले के पीछे मोदी सरकार की बड़ी स्पष्ट सोच है। सरकार का मानना है कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता है। मोदी सरकार के इस फैसले का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर भी साफ नजर आया। 2018 तक पाकिस्तान और भारत के बीच सामान्य व्यापार था। उस दौरान पाकिस्तान से भारत का प्रत्यक्ष आयात 495 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2022 तक पाकिस्तान से भारत का प्रत्यक्ष आयात गिरकर 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को भारत के इस फैसले से जाहिर है कि जबरदस्त धक्का लगा था। गौरतलब है कि जहां आयात प्रतिबंधों ने पाकिस्तान को पंगु बना दिया, वहीं भारत पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। पाकिस्तान भारतीय वस्तुओं का प्रमुख बाजार नहीं रहा है और वास्तव में पाकिस्तान को भारत के निर्यात ने शायद ही कभी भारत की कुल निर्यात आय में 1% से अधिक का योगदान दिया हो। साथ ही भारत से खाद्य आयात की कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में खाद्य मुद्रास्फीति 40% से अधिक हो गई है, जिसका प्रतिकूल असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। भारत के विशाल बाजार से मिलने वाले प्रोत्साहन के बिना पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंस गया है। भारत द्वारा महत्वपूर्ण कच्चे माल के आयात से इनकार करने पर पाकिस्तान ने अपने कारखानों के उत्पादन को सीमित कर दिया है और परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ गई है। इन आंकड़ों और तथ्यों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति के कारण भारत के लिए पाकिस्तान के साथ आर्थिक नीति को प्रोत्साहित करने का कदम जोखिम भरा होगा। अब ऐसे में
ये सवाल हर भारतीय के मन में उठना स्वाभाविक है कि आतंक परस्त पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का ये प्रेम क्यों है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी भी यही सवाल पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी बताए, हिंदुओं को अपमानित करना, भारत को नीचा दिखाना और पाकिस्तान चीन के तारीफ के पुल बांधना कांग्रेस की कौन सी मजबूरी है? इनका शरीर हिंदुस्तान में है, इनका दिल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान वालों का दिल कांग्रेस के लिए धड़कता है और कांग्रेस वालों का दिल धड़कता है पाकिस्तान वालों के लिए। कहते हैं वहां से वाघा बॉर्डर खोल के मरीज लाएंगे, अरे जिन्होंने यहाँ पे मुर्दे कर दिए, कसाब ने आकर जिस तरह से मारा, आपकी सरकार कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पाई, नपुंसक सरकार बन के रही आपकी, और आप कहते हो वाघा बॉर्डर खोल देंगे, कभी आप कहते उनसे दोस्ती कर लेंगे। क्या मजबूरी है पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की? सवाल ये खड़ा होता है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देती रहेगी तब तक भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान गलत बयानी की। तेजस्वी यादव ने साक्षात्कार के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने कई सार्वजनिक उपक्रमों और यहां तक कि रेलवे को भी बेच दिया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि दूरदर्शन को भी बेच दिया गया है। अब आप बंगाल में आइए तो ये मीडिया में खबर आई है कि ममता बनर्जी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो 1 जून को आहूत इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं आएंगी, जिसे कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, दूरदर्शन, सब कुछ तो बचा गया। और दूरदर्शन से जुड़े तेजस्वी यादव के दावे का प्रसार भारती ने पुरजोर खंडन किया है, इसे बेबुनियाद बताया है। दरअसल संसद द्वारा पारित कानून के जरिए देश के लोक प्रसारक प्रसार भारती की स्थापना की गई थी। ये प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है, ये देश का लोक सेवा प्रसारक है। तो प्रसार भारती ने इस दावे का खंडन किया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडी गठबंधन के ध्वस्त होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 1 जून को इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी। अब आप बंगाल में आइए तो ये मीडिया में खबर आई है कि ममता बनर्जी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो 1 जून को आहूत इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं आएंगी, जिसे कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। यानी संकेत पहले ही देखने लगे कि ये पूरा का पूरा गठबंधन किस तरीके से विध्वंस की तरफ जा रहा है। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के 1 जून के इंडी गठबंधन के बैठक में शामिल नहीं होने पर बोले कि जिन्होंने ममता को न्योता दिया था उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। जिन्होंने दाव दिया उन लोगों को पूछिए ना, ये मेरे जिम्मेवारी से जिम्मेवारी की जो दायरा होती है ये दायरे की बाहर अगर सवाल पूछा जाए तो मैं कैसे जवाब दूँ? मुझे इसके बारे में आता पता नहीं है। पंजाब के लुधियाना में जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में विकास का बड़ा दावा किया। और अब हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब बारासात पहुंचे तो लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो पश्चिम बंगाल के बारासात में, और उत्साह जो है वो लोगों का देखते ही बन रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद हैं, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। इसके अलावा लोग प्रधानमंत्री जहां से गुजर रहे हैं वहां से सेल्फी ले रहे हैं, और प्रधानमंत्री का बड़े उत्साह के साथ एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के लोग। उस वक्त के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का बारासात में रोड शो और वहाँ पर लोगों का उत्साह। और देखिए किस तरह से इन दृश्यों को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं वहाँ के लोग, प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए। प्रधानमंत्री भी इसी स्नेह के साथ उनके अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में रोड शो में इतनी भारी मात्रा में भीड़ होना अपने आप में एक नया संकेत है, एक बड़ा संकेत है लोगों का उत्साह जो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास का वो एक प्रतीक कहा जा सकता है। युवा जो हैं बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, और प्रधानमंत्री भी उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए पूरे स्नेह भाव से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के अपने परिवारजनों के बीच वहाँ पर उनके साथ प्यार को बांटते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और ये उत्साह जो है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। युवा जो कि पूरे जोशो खरोश के साथ पूरे उत्साह के साथ नाच रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो इन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर रही हैं, रिकॉर्ड कर रही हैं, सेल्फी लेने के लिए आतुर हैं प्रधानमंत्री के साथ, और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं ये अपने आप में दिखाता है प्रधानमंत्री के प्रति उनका आदर, उनका जो स्नेह और उनका विश्वास। प्रधानमंत्री के कटआउट्स भी कई लोगों ने हाथ में लिए हुए हैं, लोग अपनी छतों पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो भीड़ है जो बैरिकेडिंग है उसके पार आना चाहती है। बेहद बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनका स्वागत करते हुए उत्साह के साथ, और प्रधानमंत्री भी दोनों हाथों से उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये अपने आप में जो एक संबंध दिखाता है, जो पूर्ण संबंध दिखाता है प्रधानमंत्री विशेषकर पश्चिम बंगाल की जनता के साथ, ये अपने आप में एक अनूठी गाथा कहता है। जिस तरह से लोग वहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं जिस तरह से बड़ी संख्या में मौजूद हैं, युवा जो हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए ये लोग जिस तरह से खड़े हैं, जिस तरह से आतुर हैं, और प्रधानमंत्री भी अपनी गाड़ी से बाहर जिस तरह से निकल कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं खुले मन से, तो ये अपने आप में जो दृश्य हैं अभूतपूर्व हो जाते हैं, बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाथ हिलाकर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी उसी अंदाज में जो वहाँ की जनता है उसको अपना जवाब दे रहे हैं। तो ये दृश्य पश्चिम बंगाल के बारासात से जो बेहद महत्वपूर्ण दृश्य हैं, जो वहाँ के लोगों के उत्साह को तो बयां कर ही रहे हैं, लेकिन उन लोगों का प्रधानमंत्री में जो विश्वास है उसको भी दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में वहाँ पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का मौसम है उसमें जो लोगों का इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर निकल कर आना प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनकी एक झलक के लिए, और प्रधानमंत्री के प्रति अपने स्नेह को दर्शाने के लिए, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ की बात करें, या जो अपने घरों की छतों पर लोग खड़े हुए हैं, अपने घरों में से भी जो लोग प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, कई लोगों ने अपने हाथों में बड़ी बड़ी जो तस्वीरें हैं वो ली हुई हैं, प्रधानमंत्री के कटआउट्स लिए हुए हैं, और इनके ज़रिए प्रधानमंत्री के प्रति अपने प्यार को दिखा रहे हैं ये लोग, अपने स्नेह को दिखा रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी उसी अंदाज में लोगों को जो है जवाब दे रहे हैं, प्रत्युत्तर दे रहे हैं उनके प्रेम का। और ये बेहद गहरा भावनात्मक संबंध प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ जो इन दृश्यों के अंदर दिखाई दे रहा है, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए लोग, पूरे मुक्तकंठ से मुस्कुराते हुए लोग, प्रधानमंत्री के स्वागत में नारे लगाते हुए लोग, ये अपने आप में पश्चिम बंगाल के जो दृश्य हैं वहाँ से एक नई कहानी और नए दौर की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में युवा हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए।
तो पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री के रोड शो के दृश्य आप देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं काशी में मौजूद हूँ।